कमलनाथ जी, आप तो गायों को बचाने की बात करते हैं, कहते हैं उनके लिए सारे इंतजाम किए जाएंगे, लेकिन ये क्या आपके राज में आपके प्रशासन की अनदेखी के कारण एक झटके में भूख से तड़प तड़प के 72 गाय बैलों ने दम तोड़ दिया? मुख्यमंत्री जी, गायों को लेकर किए गए आपके वादे और दावे हवा हवाई साबित हो गए। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो रीवा के इस खबर पर गौर फरमाएं। बेसहारा गौवंश को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कमलनाथ सरकार भले ही बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हो, लेकिन अव्यवस्था और अराजकता के आलम में मवेशियों का जीवन संकट में है। भोपाल में मंत्रालय बल्लभ भवन से बैठकर सरकार आप कुछ भी कह लें, अपने वचन पूरा करने पर खुद अपनी पीठ थपथपा लें, मगर आपकी सरकार का जुबानी जमा खर्च जमीन पर आकर दम तोड़ देता है। आपके राज में गाय बैल अकाल ही काल के गाल में समा रहे हैं। कमलनाथ जी, आपकी सरकार ने रीवा में गायों का ऐसा संरक्षण किया कि वहां आए दिन मवेशियों की मौत हो रही है। ये दृश्य इतने विचलित करने वाले हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। त्योथर तहसील के बस्साहट गांव के कांजी हाउस में 72 गाय बैलों ने आपके वादों की तरह तड़फ तड़फ के दम तोड़ दिया है। ये इन गायों की नहीं, आपके लिजलिजे सिस्टम की मौत है। यहाँ बेसहारा मवेशियों के लिए बाड़े का निर्माण किया गया था। हाल ही में खराब हुए मौसम और हुई बारिश के चलते गायों के बाड़े में पानी भर गया। वहीं चारा भूसा न मिलने के कारण मवेशी भूख से बाड़े में दम तोड़ रहे थे। आपके प्रशासन को इन गायों की मौत की खबर तब लगी जब बाड़े में मृत मवेशियों से बदबू आने लगी। सरकार ने तो यहाँ देखा कि मतलब गौवंश इतने लोग ने तो बाड़ा में मरे हुए हैं कि कम से कम 200-300 गोरु मरे होंगे जो उन्हें तो यहाँ 200 मूड़ा यहाँ तो 200 मूड़ा वहाँ इतने गोरु मर चुके हैं। अब ये बाड़ा बना के लोग गांव के लोग बाड़ा में बाड़ बेड़ दिए, इसीलिए जो उन्हें तो न जब पानी पाए न चारा पाए इसलिए मर गए गोरु। इसके लिए शासन प्रशासन में जो नियम निर्धारित होंगे और इसकी बात शासन के पास जाएगी और हमसे जो बन पड़ेगा हम सहयोग करेंगे। ऐसे लोगों के साथ में रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब वो आए रहे, अपना उन्होंने बयान दिया, हमारी उनसे बात नहीं हो पाई है। मैं कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात करूंगा और जैसे ही मुझे ये घटना मिली मैं भागा भाग चला आया, यहाँ बात नहीं हो पाई। मैं कलेक्टर साहब से इस संबंध में बात करके उसके बाद ही कुछ आपसे कुछ कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री जी, गाय की इतनी दुर्दशा तो पहले कभी नहीं हुई। आपसे लोगों ने जितनी उम्मीदें की थी वो एक साल में ही भूखी गायों की तरह टूटने लगी हैं। जाहिर है जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गायें भूख से मरेंगी तो लोग आपके सिस्टम से नाराज भी होंगे। एक साथ मवेशियों की इतनी तादाद में हुई मौत के बाद उन्हें दफनाने के लिए भी मशीनरी का सहारा लेना पड़ा। मवेशियों को गांव के ही एकांत स्थान में दफनाने और बाड़े में मवेशियों के मृत होने से पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मृत मवेशियों की दुर्गंध से फैलने वाली महामारी से लोगों को बचाया जाए और गायों की मौत के जिम्मेदारों को भी सजा दी जाए। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में सरपंच सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिले के त्योथर तहसील बसाहट गांव में जिस प्रकार का कृत्य घटित हुआ यह बेहद निंदनीय है। जिस गाय को हमारा हिंदू समाज माता मानता है, जिस गाय के गोबर से गौरी गणेश बनाकर उनकी पूजा की जाती है, जिस गाय की पूंछ पकड़कर हिंदू समाज की बेतन्नी पार होती है, उस गौवंश के साथ अगर इस तरह का कृत्य हुआ है तो यह बेहद निंदनीय है। इस घटना में संलिप्त सभी व्यक्तियों के ऊपर और दंडात्मक कार्यवाही जिला प्रशासन से ऐसी हमने मांग की है कि की जाए और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह से हमने मांग की है। गौवंश की कब्रगाह बने काजी हाउस की दीवार तोड़कर जीवित मवेशियों और साथ ही मृत मवेशियों को बाहर निकाला गया।
ये पिछले 15 दिन से तिल तिल कर मर रहे थे। इस मामले में ग्रामीण चुप्पी साधे हुए थे, जिम्मेदार भी काजी हाउस में झांकने तक नहीं पहुंचे। कीचड़ में सने हुए जानवरों को जेसीबी मशीन की मदद से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। दलदल बने गायों के इस बाड़े से 72 मवेशियों के शव को बाहर निकाला गया। एक विशेष जांच दल बनाकर उसकी तत्काल जांच करें और जो भी दोषी पाया जाता है उनके विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य जो अधिनियम है उनके प्रावधानों के अनुरूप तत्काल जो है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करें। और इसके साथ साथ सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि वे अपने क्षेत्र में जितनी भी गौशालाएं हैं उन सबका आकस्मिक रूप से दल बनाकर निरीक्षण करें और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो ये सुनिश्चित करें और जो भी दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, ये गायों की मौत नहीं है, ये आपके वादों की मौत है। गायों की मौत की यह दास्तान आपके लिए एक सबक बने और आप इन बेजुबान पशुओं की रक्षा के लिए कुछ माकूल कदम उठा पाए तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।